कोरोना काल में बोकारो जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की गड़बड़ी मामले की जांच मुख्यालय डीएसपी मुकेश कुमार ने शुरू कर दी है। आज डीएसपी ने चास के देवांश और सिटी केयर अस्पताल पहुंचकर कागजातों की पड़ताल शुरू की। वहीं अस्पताल प्रबंधन के सभी जरूरी कागजातों को जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। आपदा को अवसर में बदलते हुए इन अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की गड़बड़ी की बात सामने आ चुकी है। ये मामला ड्रग इंस्पेक्टर की जांच में उजागर हुआ था, जिसमें चास का देवांश हॉस्पिटल, सिटी केयर अस्पताल और बोकारो का वेलमार्क अस्पताल इस गड़बड़ी में शामिल पाया गया था। इन तीनों अस्पतालों के खिलाफ अलग अलग थाने में मामला भी दर्ज है। ऐसे में डीएसपी ने आज अस्पताल पहुंचकर इस जांच को आगे बढ़ाते हुए बताया कि मामले का पर्यवेक्षण किया जा रहा है और कागजातों के आधार पर ही रिपोर्ट बनाकर पुलिस अधीक्षक को सौंप दी जाएगी। तीन जगह केस हुआ है, पिंडरा जुड़ा में और चास में और एक बीएसटी थाना में। तीनों का पर्यवेक्षण मुझे करना है, उसी के आलोक में आज जांच पड़ताल करने आए थे। जांच पड़ताल जारी है, कागजों की मांग की गई है, उसके बाद जांच उपरांत पर्यवेक्षण रिपोर्ट सौंप दी गई। जो कागजात प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पे हम लोग चेक करने के बाद मेरा जो पर्यवेक्षण रिपोर्ट है पुलिस अधीक्षक महोदय को समर्पित। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।